कैसे हो आप लोग? सो उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोग अच्छे होंगे। सो हे गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज, आज मैं जा रहा हूँ अपने दीदी के यहाँ भागलपुर, जो कि यहाँ से करीबन 150 किलोमीटर दूर पड़ता है, जो कि मैं ट्रेन से जाने वाला हूँ। सो बहुत दिन से देख रहे होंगे आप लोग कि न्यू ब्लॉग नहीं आ रही है। सो कुछ मैं काम में बिजी था, इसलिए मैं न्यू ब्लॉग नहीं डाल पा रहा था। सो अब सारा सारा काम हो गया है क्लियर। अब आपसे न्यू न्यू ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। और 3 बजे मेरी ट्रेन है, जो कि देवघर स्टेशन से। सो सारा चीज पहले पैकिंग करता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। You know I'm one of a kind, or so I've been told. No matter where we go, I know we're gonna make it. No matter where we go, I know we're not alone. We face it all cause now we know that we can take it. We face it all cause we go big or we go home. Dance like you made it, you found it all. चलिए आपसे हम रेडी होके फिर मिलते हैं। मैंने ये फ्लिपकार्ट से एक शूज़ मंगाया था, जो कि करीबन मुझे 700 रुपये में पड़ा। तो इसे मैं पहन के जाने वाला हूँ। तो चलिए पहन पहले मिलते हैं, तैयार होके फिर आपसे। सो ये कुछ मैं रेडी हो चुका हूँ। सो अब चलते हैं। चलो, मेरे ट्रेन का टाइम हो रहा है। अब हम लोगों को पहले स्टेशन पहुंचना पड़ेगा, जो कि देवघर स्टेशन है। स्टेशन में मिलते हैं आपसे। ऐसे एक सब बढ़ गई है, चलो चलते हैं। अरे भाई, कहीं जाम के चलते मेरी ट्रेन ना मिस हो जाए यार। तो गाइस, 3 बजने वाले हैं और 3:10 में हमारी ट्रेन है। सो जल्दी जल्दी, अभी तक हम लोग स्टेशन भी नहीं पहुंचे हैं, जल्दी करके भैया लोग पहुँचा। थोड़े देर में हम लोग स्टेशन पहुंचने वाले हैं, तो मिलते हैं आपसे स्टेशन पे। सो गाइस, चलो जल्दी, स्टेशन पहुंच चुके हैं। अब ट्रेन आ चुकी है हमारे देवघर स्टेशन। अब जल्दी से टिकट कटाते हैं, चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। तो गाइस, टिकट कटा लिए हैं, वहाँ हमारी ट्रेन है। ये है ट्रेन हमारी, जो कि लोकल पैसेंजर ट्रेन। नीचे आना पड़ेगा, इधर से हम लोग नीचे चलते हैं। तो गाइस, हमें जल्दी पहुंचना होगा, नहीं तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी आज। एक तो खुद पहले ही लेट हो गया है। और गाइस, ये रही हमारी ट्रेन। क्योंकि चलो चलो, पहले ट्रेन में काफ़ी भीड़ है, मैं लेट कर दिया इसलिए जल्दी आना पड़ेगा। फाइनली मुझे सीट तो मिल गया, पर ट्रेन में भीड़ बहुत ज़्यादा आई है। और ये लोकल डेली पैसेंजर ट्रेन है, जो कि इसलिए इस ट्रेन में भीड़ की संख्या बहुत ज़्यादा ही रहती है इस ट्रेन में। गाइस, ट्रेन 10 मिनट लेट है। और ये हम लोग निकल पड़े हैं यहाँ से देवघर स्टेशन से भागलपुर की ओर। ये ट्रेन करीबन मुझे 4 घंटे में भागलपुर पहुँचा देगी। शाम के 7 और हम पहुँच चुके हैं भागलपुर जंक्शन। अब चलिए चलते हैं यहाँ से बाहर। प्लेटफॉर्म में काफ़ी भीड़ है यहाँ से। काफ़ी भीड़ है प्लेटफॉर्म में। गाइज, हमें जाना है उधर, जो कि उधर जाते ही हमें एग्जिट मिल जाएगी, जो कि स्टेशन के जाइट बाहर निकालती है हमें। ये है भागलपुर जंक्शन। और गाइज, पहुंच चुके हैं हम लोग बिहार। भागलपुर बिहार में आपका स्वागत है। सो गाइज, काफ़ी बड़ी प्लेटफॉर्म है ये भागलपुर की। ये रहा भागलपुर बिहार। सो गाइज, अब चलो नीचे चलते हैं, नीचे उतरते हैं पहले, और उसके बाद टोटो टोटो पकड़ के फिर निकलते हैं। सबसे पहले टोटो पकड़ते हैं और चलते हैं अपने दी के यहाँ। काफी बड़ा जंक्शन है भागलपुर जंक्शन। बिहार में आपका स्वागत है गाइस। हाँ
और गाइज ये है भागलपुर का उल्टा पुल। इसका नाम किस लिए नाम रखा गया वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसके बाद ही हमें टोटो मिलेंगे। सो गाइज नीचे तो मुझे रिक्शा नहीं मिला, इसलिए पुल के ऊपर चढ़ने के बाद ही फिर रिक्शा का स्टैंड मिलता है वहाँ पर। इधर सारी मार्केट सारे ये सब लगते हैं आपको देखने को मिल, यहाँ पर इसके नीचे सारे बाजार लगते हैं। फाइनली गाइज हमें टोटो मिल चुका है। चलिए भैया लेट नहीं किए, चलिए चलिए मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं, तुझे खुश मैं रखूंगा सुने मैं तेरे होंठों पे खामोशी कभी देख सकता नहीं, सारी बातें मैं सुनूंगा सुने तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा, सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगा, मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगता ना जिया तेरे बगैर, तू मान मेरी जान मैं तुझे जाने ना दूंगा मैं तुझे। और ये है गाइस भागलपुर का घंटाघर जो आप सामने देख रहे हो। पहुंच चुके हैं भागलपुर, भागलपुर तिलका मांझी चौक। चुका है जो कि रात में बहुत ज़्यादा ही थक गया था मैं, जो कि ब्लॉग नहीं कर पाया, सो इसलिए सुबह अभी मॉर्निंग हुआ है हम लोग का। सुबह के बजे है अभी 7 और 7 बजे हम लोग अभी जस्ट उठे हैं सो के। और ये रहा मेरे दीदी का बेटा छोटा वाला जो कि टुक टुक नाम है इसका, घर में प्यार से सबको टुक टुक बोलते हैं। स्कूल का नाम तुम्हारा क्या है? डीएपी पब्लिक स्कूल। तुम्हारा नाम क्या है स्कूल? ओ मेरा हाँ। अधीनवराज। अधीनवराज कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? एलकेजीसी। चलिए चलते हैं अब बाहर। कोको। सो गाइस इनसे मिलिए, ये है कोको, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही शैतान है। रात में मैं जैसे ही इंटर किया घर के अंदर तो इसने मुझे पहले अच्छे मुझे चारों तरफ से घुमा पहले, उसके बाद फिर मुझसे दोस्ती की और ये अब मेरा अच्छा दोस्त बन चुका है।